खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। टाप राज्य की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहू वाला कालसा में आज प्रवेशोत्सव मनाया गया। आज 16 अप्रैल को प्रवेशोत्सव मनाया गया, यही इसलिए मनाया गया क्योंकि यहां सरकारी स्कूल में अधिक से अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश लें, अच्छी पढ़ाई करें और आगे बढ़े। मध्याह्न भोजन पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क दी जाती है। काम के रूप में इंग्लिश इंस्टीट्यूट प्रतिभा दिवस आदि प्रकार की चीजें मनाई जाती है। प्रत्येक कक्षा में प्रवेश शुरू है। आज बच्चों की रैली निकाली गई और सभी अभिभावकों को स्कूल बुलाया गया, जिसमें अभिभावकों को यह समझाया जाएगा कि यह सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश कराएं। सर नमस्कार, खबर 7C में आपका स्वागत है। सर आप ये बताइए, जो आज आपने जो है ये रैली जो निकाली है बच्चों की, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? हमारा स्कूल राजकीय हाई स्कूल मेहूवाला खालसा है और इसमें आज 16 अप्रैल को प्रवेश उत्सव के लिए आयोजन किया गया है, ताकि हमारे स्कूल में अधिक से अधिक बच्चे, हमारे आस पड़ोस के जितने बच्चे हैं वो प्रतिभा कर सकें और स्कूल में आकर के अधिक से अधिक संख्या में प्रवेश ले सकें। हमारे स्कूलों में सरकार द्वारा और हमारे स्कूल के सभी शिक्षकों के द्वारा बहुत सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा और हमारे स्कूल के द्वारा बच्चों को मुफ्त ड्रेस, MDM, अच्छी पढ़ाई, प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाई और विभिन्न विज्ञान के प्रयोग और करके सीखें, खेलें, आगे बढ़ें और तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है, बच्चे हमारे पास अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं एडमिशन के लिए। आज हमें उम्मीद है कि और भी बच्चे आगे भी हमारे स्कूलों में एडमिशन के लिए और बच्चे आएंगे, ताकि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं ये आगे बढ़ेंगे और इनमें सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो हमारे द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो आगे बढ़ेंगी और बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ मिलेगा। हमारे बच्चों में प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिभा दिवस, इंग्लिश में प्रोत्साहन के लिए इंग्लिश स्पीकिंग डे, डाउट क्लियरिंग डे, जो बच्चों को सप्ताह भर में जो भी कठिनाई होती हैं पढ़ने की, शिक्षकों को जो भी कठिनाई होती हैं समझने की, बच्चों को समझाने की, नए नए इनोवेटिव प्रयोग के द्वारा जो भी कार्यक्रम हैं वो सब आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश के लिए आ रहे हैं। फिलहाल सर आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? अभी हमारे यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया जारी है और हमें उम्मीद है कि हमारा